बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आज आपको बताऊं कि आज यूपी पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण पर व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वह वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर जो हमारे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने अपनी खंडपीठ में 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, आदेश दिया उन्होंने। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने याचिका देकर 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। पहले याचिका में कहा गया था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने संबंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। कहा गया कि आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 और 2010 के चुनाव संपन्न कराए गए थे। याचिका में आगे कहा गया कि 16 सितंबर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने के लिए कहा गया था। उक्त शासनादेश में यह भी बात कही गई थी कि 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में जो हमारे गांव हैं उन गांव में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है, मतलब कि जनसंख्या के आधार पर भी बदलाव हो चुका है। लिहाजा इसमें मूल वर्ष 1995 को मानकर आरक्षण लागू किया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि 16 सितंबर 2015 के उक्त आदेश को नजरअंदाज करते हुए 11 फरवरी 2021 का शासनादेश लागू कर दिया गया। इसे वर्ष 1995 को ही मूल वर्ष माना गया। 95 को यह भी कहा गया कि वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव भी 16 सितंबर 2015 के शासनादेश के अनुसार संपन्न हुए थे। तो सब कहने का मतलब हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें यही है कि आप सभी लोग 2015 का जो शासनादेश है उसके अकॉर्डिंग किया जाए, क्योंकि 2001 की जो जनगणना हमारी थी उस जनगणना के अनुसार कई गांव ऐसे थे जो चाहे जनसंख्या के आधार पर, चाहे भौगोलिक आधार पर, उनके जो डेमोग्राफिक चेंज हुए थे उन चेंजों के आधार पर अगर हम 2095 को आधार वर्ष मानते हैं तो वो थोड़ी समस्या का क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसमें कई मायने में समस्या क्रिएट हो रही थी, जैसे कि जातिगत आरक्षण के सीटों को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के, किसी गाँव में ज़्यादा जनसंख्या किसी गांव में कम है, इन सब चीजों को लेते हुए ये एक मामला आया था। उसी मामले को सरकार ने जो है अपना पक्ष रखा था, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसको नजरअंदाज करते हुए एक शासनादेश जारी किया कि अब आप जो है 27 मार्च तक अपना जो फाइनल लिस्ट है जिसको अंतिम सूची कहते हैं उसको जारी करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज तक की अपडेट यही है, बाकी कोई अपडेट होगी मैं आपसे आगे बात करूंगा। ठीक, थैंक यू।